सो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब। पहली बात तो ये, मैं तो हूँ यहाँ पे स्वस्थ और मस्त। आज निकली है हल्की सी धूप, काफ़ी अच्छा लग रहा है, फिर भी मैंने शॉल ओढ़ी है, मतलब ठंडी तो है। आज है 6 मार्च, होली का, कल होली है, आज होली का दहन है। और जैसा कि आज देख रहे हैं कि अब ये संगत जाने की तैयारी करेगी, क्योंकि कल जब गुरुद्वारे में जैसे ही नया झंडा चढ़ेगा, ये संगत सब धीरे धीरे चले जाएंगी। तो कल का दिन हमारा आखिरी मेला वाला होगा, तो हम देखेंगे बिफोर एंड आफ्टर। तो अब जो है मेरे घर की छत से ये माहौल दिख रहा है। अब भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो गई है, टेंट काफ़ी नज़दीक हो गए हैं, लोग आ रहे जा रहे हैं। ये हमारे गांव का बड़ का पेड़ है। पहले हम यहाँ से बॉम्बे जाते थे, तब रोड़े नहीं होती थी, तो हम यहाँ से बहुत बड़ी खाई पार करके उसके उस साइड जाते थे। कभी मौका मिला तो मैं वो खाई से ज़रूर आप लोगों को लेके चलूँगी। फिलहाल अब चारों ओर भीड़ ही भीड़ है, मम्मी के कुकर की सीटी बज रही है, आलू के परांठे शायद। अब थोड़ी धूप लगी है तो अच्छा लग रहा है। इस वक्त सुबह के 11:30 बजे, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले, पर अच्छी खासी धूप है, अच्छा लग रहा है। तो आज मैं कहाँ जाऊँगी, आज तो मैं कहीं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि वाकई में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। चलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, गुर्दा चाहिए, गुर्दा जिगर, और देखते हैं मेरे में वो जिगरा है कि नहीं। फिर भी मैं तो आपको पता है सरफरी हूँ, अकेले निकल जाऊँगी, क्योंकि मैंने अब भाभी से पूछा, भाभी ने मना कर दिया, कहा मैं नहीं आ पाऊँगी, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और हैं कुछ लोग हैं जो दिलदार हैं मेरे जैसे जिगरे वाले। फिलहाल मैं आज आपको आखिरी बार ये मेले के दर्शन कराऊंगी, भीड़ शायद कल तक, कल तो क्या परसों तक हमारा गांव एकदम सुनसान हो जाएगा। फिर मैं क्या ब्लॉग बनाऊंगी पता नहीं, लेकिन कुछ तो बनाती रहूंगी, आप लोग के साथ रूबरू रहूंगी। फिलहाल आज सब पैकिंग करने के मूड में है, जैसे देखिए अब सर्विसिंग हो रहा है, ड्राइवर भी अपने अपने ट्रक की साफ सफाई कर रहे हैं, टेंट ऑलमोस्ट अब लोगों की पैकिंग होने लग गई है। बस कल जो दर्शन होंगे गुरुद्वारे के, उसके बाद में ये सारा माहौल ख़त्म। तो मन थोड़ा सा उदास तो है, क्योंकि ये जो रौनक है, जो चहल पहल है, वो अब चली जाएगी थोड़े ही दिनों में। अब भीड़ कम हो जाएगी, फिर एकदम से चिड़िया, हरे हरे खेत सब वो दिखने लगेंगे। और अब क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं, तो शायद मकई की अब खेती शुरू हो जाएगी। यहाँ पे तो सूखे रंगों की होली होती है, यहाँ पे बलून वलून कुछ नहीं मारते। देखते हैं कल की होली, कल के साथ अपडेट। सुबह से हमारी काफ़ी साफ सफाई चल रही है, काफ़ी फर्श धुल गए हैं। अब देखते हैं हमारी मम्मी क्या कर रही है। पुलाव बना रही है। मम्मी पुलाव बना रही है। ओके। दही का रायता बनाया है, अचार और पुलाव। आज पुलाव बनाया, मम्मी ने बनाया पुलाव, मेरा फेवरेट। बस खाएंगे और क्या करेंगे, और सोएंगे। तो कहते हैं ना वो बेचैन मन, तो मैं अपना जिगरा और गुर्दा लेके निकल पड़ी भीड़ भरी मेले में, देखने के लिए, जायज़ा लेने के लिए कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। और अब ये मेरे गांव के ऊपर का साइड है, यहाँ पे भी चारों ओर घर भर गए हैं और लोग अब तैयारी कर रहे हैं गुरुद्वारे जाने की। और मैंने एक रीज़न लिया, मैंने कहा चलो इसी बहाने मैं ग्रॉसरी शॉप में कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ। तो ग्रॉसरी का तो बहाना था, मेन तो मेले में जाना था।
आई हूँ ग्रोसरी स्टोर में और यहाँ पे है काफी खरीदने को अभी बाकी है, काफी क्राउडेड, सब अपना अपना बिल बना रहे हैं। बिल बन रहा है, मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने लिए ब्लॉग बना लूँ, ब्लॉग बनाती हूँ। अभी बिल बनाने के लिए मेरा बास्केट, कब कौन बिल बनाएगा मुझे पता नहीं, मुझे इस हिसाब किताब के बारे में कुछ पता नहीं। क्राउड तो देखा दोस्तों, कभी ये रोड जो इतनी खाली होती थी, आज मुझे चलने तक के लिए भी जगह नहीं है, इतनी कंजस्टेड है। मेला फुल जोरों पे उफान पे। बस चलो देखो, एक और मुर्गा मिल गया मेरे को। मेरी मत बना, जो जितना शर्माएगा वो मेरे वीडियो में आता ही जाएगा। ये है विपिन, है मैं तो पब्लिक से नहीं डरती। और क्या क्या बोल रहे नहीं अब दोस्तों, मैं आई हूँ 12 साल के बाद इस गांव में, या 13-15 साल के बाद। उसके बाद में ये क्विज कंपटीशन होता है, इसको पहचानो और उसको पहचानो। अरे दीवानो, किस किस को मैं पहचानू। खैर, फिर भी मैं गैस वर्क करती जा रही थी, कितने गैस वर्क और तुक्के राइट निकल रहे थे और कितने रॉन्ग निकल रहे थे। वहाँ चल रहे गिद्दा सब लोग, और यहाँ आ गई है संगत, ये लेके जा रहे हैं कड़ा प्रसाद। किधर से आए हो आप लोग? अमृतसर से। खास यहाँ पे ये मेले के लिए आते हो आप? कैसा, मतलब क्या फील, कितना का फील लगता है तुहानू? मैं थोड़ी शूटिंग ले लवा। सुंदर सुंदर सोने सोने कुड़िया ना, ता करके सोनी कुड़िया ना तो पहले लेना चाहिए। फिर किवें, मतलब हर साल आंदे तुसे? हर साल मत्था टेक दे हो? ते दे पीछे कुछ रीजन हैगा कि इदा ही? नहीं, बहुत कुछ है पीछे दे। इन्हें इमने तुसी मन्नता मांगनी होए? जो मन्नत मांगवाड़ पूरी हो ते बाबा जी पूरी कर देन? कर दे। चलो अच्छा, चलो थैंक यू सो मच। मैं पे दाड़ी चलना शामी पक्का ना? जब तक मम्मी चाय बना रही है, हम चलते हैं टेरेस की ओर। और सबसे डेंजर यहाँ पे छिपकली तो रहेगी रहेगी, वो देखो, कहा था ना मैंने आपको ये रही छिपकली। पहले मुझे बहुत डर एक यहाँ रहती है, पर अब वो यहाँ नहीं। गई। ये तो मुझे गालियां देती होगी बेचारी को, मैं आराम से रहने नहीं देती। Thank you.
तो चाय पीने के लिए निकले तो देखा तो मम्मी मार रही है गप्पे अपने पड़ोसियों के साथ। टचवुड भगवान ऐसे ही हमें अच्छे पड़ोसी देता रहे, क्योंकि एक अच्छा पड़ोसी मिलना बहुत ही नसीब की बात है। तो दोस्तों, जैसे कि आप पटाखों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, चल रहा है कि अब होली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कल हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा फंक्शन होगा कि कल बाबा जी का झंडा उतरेगा और नया झंडा चढ़ेगा, तो वो देखने के लिए लोग बेचैनी से वेट कर रहे हैं। जैसे ही झंडा चढ़ेगा सब लोग चले जाएंगे, और मेरे पीछे तो आ रही है पटाखों की आवाज़, ज़ोरदार धमाके चल रहे हैं। मतलब आज से सेलिब्रेशन शुरू, और आज तो पूरी रात हर एक टेंट में भजन कीर्तन होगा और ऐसे ही पटाखे फटेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि भजन कीर्तन भांगड़ा हर जगह हर तरह से सेलिब्रेशन शुरू हो गया था। कहीं लग नहीं रहा था कि यहाँ पे रात के 2 या 3 बज रहे हैं। फिर मुझे आ गई नींद और मैं गई थक, तो मैं चली सोने, रात बहुत हो गई है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को यहाँ पे समाप्त करती हूँ, बट इट विल बी कंटिन्यूड फॉर टुमारो। बने रहिएगा मेरे साथ। Do share, like and subscribe my channel. अब विदा लेती हूँ, take care, bye bye. जागो आई है ना।